नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए लेसन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सिंगिंग स्केल के बारे में। हमें कैसे पता लगे कि हमारा स्केल कौन सा है, हमें कौन से स्केल पर गाना चाहिए। आपकी तरफ से कई वीडियोस पे ये सवाल पूछा गया है कि सर मुझे ये पता नहीं लगता कि मेरा स्केल कौन सा है, मैं कौन से स्केल पर गाना गाऊँ। कई बार ये सवाल भी पूछा जाता है कि सर कुछ ऐसे ऊँचे गाने हैं जो मुझसे नहीं गाए जाते। तो आइए आज हम पता करते हैं कि हमारा स्केल कौन सा है, हमारी आवाज़ की पिच कितनी है, हम कौन सी रेंज में गाना गाएं। आज के लेसन में हम यही बातें करेंगे दोस्तों। दोस्तों मैं एक बात आपको पहले क्लियर कर दूं, अगर आप एक लड़के हैं और आपकी उम्र 15 या 17 साल से ऊपर है तो आप अपने गाने का अभ्यास सी शार्प स्केल से करें जो कि ये स्वर है। अगर आप एक फीमेल हैं, लड़की हैं, या आपकी उम्र 15 साल से कम है तो आप अपने रियाज का जो अभ्यास है वो इस स्केल से करें, जी शार्प स्केल से। दोस्तों जरूरी नहीं है कि आपका स्केल सी शार्प हो, अगर आप लड़की हैं तो आपका स्केल जी शार्प ही हो। कई बार किसी की आवाज़ पतली होती है तो उसका स्केल डी शार्प भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है, एफ शार्प भी हो सकता है। अगर आप लड़की हैं, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा पतली है तो आपका स्केल ए शार्प भी हो सकता है, उससे ऊपर भी हो सकता है। तो स्केल बेसिकली आपकी आवाज़ की रेंज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी आवाज़ की रेंज कितनी है, आप कितनी रेंज तक गा सकते हैं। आइए दोस्तों सबसे पहली चीज जो हम चेक करेंगे वो ये है कि हमारी आवाज़ की रेंज कहाँ तक जाती है, ऊपर के स्वरों पर हमारी आवाज़ कितनी जाती है, नीचे के स्वरों पर कितनी जाती है, पहले वो चेक करेंगे। आइए ये कैसे चेक करना है मैं आपको हारमोनियम पे बताता हूँ। दोस्तों पहले आप अपनी आवाज़ का स्केल चेक करें कि आप सा स्वर से कितना ऊपर जा सकते हैं और सा स्वर से कितना नीचे जा सकते हैं। आइए मैं करके दिखाता हूं। सा नी धा पा पा धा नी सा। हारमोनियम की आवाज से आपकी आवाज एकदम मैच होनी चाहिए, और जौन से भी सुर पे आप नीचे की तरफ जा रहे हैं आप एक एक सुर पर चेक करें कि आपकी आवाज उस पर पूरी मैच हो रही है कि नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो आप फिर अपनी रेंज का पता लगाएं कि आप कितना नीचे तक जा सकते हैं। आइए दोबारा करते हैं। सा नी धा पा मा मा पा धा नी सा। मान लीजिए आपकी आवाज़ अगर माँ को टच करके वापस आ रही है तो आपका निचला स्केल माँ तक मान लेते हैं। अब ऊपर का चेक करते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा देखिए अभी मैंने माँ को टच करके वापस आया हूं, अब इससे भी ऊपर चलते हैं। सारे गामा पा मा गा रे सा, सारे गामा पा पा मा गा रे सा, सा नी धा पा मा गा रे सा नी धा पा मा पा धा नी सा। अब अपनी पूरी रेंज को चेक करते हैं। सा नी धा पा मा पा धा नी सा रे गामा पा धा नी सा सा नी धा पा मा पा धा नी सा रे गा मा पा मा गा रे सा नी धा पा मा गा रे सा। देखिए सा स्केल से अगर चार सुर तक नीचे आपकी आवाज जाती है और उसी के तार सप्तक के स्केल से चार सुर तक आप ऊपर गा सकते हैं तो आप समझ लीजिएगा आपका स्केल जो है वो सी शार्प है। क्योंकि देखिए सा नी धा पा एक दो तीन चार सा नी धा पा पा धा नी सा और तार सप्तक में सा से चार सुर ऊपर जाना है, एक दो तीन चार सा रे गा मा मा गा रे सा रे गा मा मा गा रे सा नी धा पा मा गा रे सा नी धा पा धा नी सा। दोस्तों अगर आप किसी भी सुर से
चार सुर नीचे तक आराम से गा रहे हैं और उसके तार सप्तक के स्केल से चार सुर ऊपर तक गा रहे हैं। तो आप समझ लीजिएगा आपका बेसिक सुर, बेसिक स्केल वॉइस स्केल है। दोस्तों कई बार कई सिंगर्स पूछते हैं कि सर हम नीचे मंद्र सप्तक में ज़्यादा रियाज नहीं कर पाते मगर ऊपर तार सप्तक में हम अच्छा गा पाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि उनका स्केल सी शार्प ही हो, उनका स्केल हो सकता है कि डी शार्प भी हो सकता है, एफ शार्प भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है। तो इस चीज़ को आपको चेक करना पड़ेगा हर एक स्केल पे और फिर उसके बाद आपको पता लगेगा कि आपका स्केल कौन सा है। आइए अब इस चीज को मैं डी शार्प स्केल से आपको चेक करके बताता हूं। सा सा नी धा पा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा मा पा धा नी सा। तार सप्तक पे चलते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा पा धा नी सा। ऊपर का स्केल चेक करते हैं। सा रे गा मा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा मा गा रे सा नी धा पा मा गा रे सा, सा नी धा पा मा पा धा नी सा। आइए अब पूरा स्केल चेक करते हैं। सा नी धा पा मा पा धा नी सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा पा धा नी सा रे गा मा पा मा गा रे सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। दोस्तों कई लोगों की आवाज़ मोटी होने के कारण कई लोग मंद्र सप्तक में बहुत अच्छा गाते हैं और तार सप्तक में ज़्यादा नहीं जा पाते, तो ऐसे भी कई स्टूडेंट्स हैं। आइए एक बार मंद्र सप्तक का स्केल जो है ए शार्प वो भी हम चेक करके देखते हैं। सा सा नी धा पा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा मा गा रे सा नी धा पा मा गा रे सा। आइए पूरा स्केल चेक करते हैं। सा नी धा पा धा नी सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा मा गा रे सा नी धा पा मा गा रे सा। दोस्तों इस तरह से अपना स्केल चेक किया जाता है। जौन से सुर से आप तीन या चार सुर नीचे तक आराम से गा रहे हैं और उसके तार सप्तक के स्केल से तीन या चार सुर आप ऊपर अच्छी तरह से गा रहे हैं, तो आप समझ जाइएगा कि आपकी रेंज, आपका स्केल कौन सा है। ये आपको खुद ही पता लगाना पड़ेगा क्योंकि हर किसी की आवाज़ का टेक्सचर, हर किसी की आवाज़ का पैटर्न अलग होता है, तो ये हमें खुद ही पता लगाना पड़ता है। दोस्तों कई बार आपकी तरफ से सवाल किया जाता है कि सर फलां गाना मैं गा नहीं पा रहा, वो बहुत ऊँचा गाना है, मैं गा नहीं पाता, सर बताइए मैं क्या करूँ। तो उस गाने को गाने के लिए एक चीज़ का ध्यान रखें, आप उस गाने को अपनी स्केल, अपनी रेंज के अंदर गाएं, तो आप अच्छे से उस गाने को गा पाएंगे, निभा पाएंगे। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपका जो स्केल है वो हमेशा के लिए आपका वही स्केल बना रहेगा। मान लीजिए आपका स्केल ए शार्प है जो कि पाँचवा काला सुर नीचे का स्केल माना जाता है, अगर आप रियाज करेंगे तो रियाज करने से आपका जो स्केल है वो बढ़ जाएगा, सी शार्प हो जाएगा, डी शार्प भी हो सकता है, ये आपके रियाज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे से रियाज करेंगे, अगर आपकी आवाज़ मोटी है तो आप तार सप्तक के सुरों पे ज़्यादा रियाज करें ताकि आपकी आवाज़ मोटी से पतली होनी शुरू हो जाए। अगर आपकी आवाज़ पतली ज़्यादा है तो आप मंद्र सप्तक के सुरों पे रियाज करें ताकि आपकी आवाज़ मोटी भी हो, पतली भी हो, आप हर रेंज के गाने गा सकें। आई होप दोस्तों आपको स्केल का ये लेसन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा, समझ आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।